हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पहचान एक प्रयास। बॉलीवुड डिवा एवरग्रीन रेखा जी आज अपना 68 बर्थडे मना रही हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। जैसे कि आपको पता है, रेखा जी का जन्म 10 अक्टूबर 1954 में चेन्नई में हुआ था। उनका असली नाम भानु रेखा गणेशन है। गोल्डन साड़ी, लाल लिपस्टिक, मांग में सजा हुआ सिंदूर और चेहरे पर मुस्कुराहट ही उनकी पहचान है। एवरग्रीन रेखा जी की जिंदगी हमेशा सस्पेंस में ही रही है कि पापा जेमिनी गणेशन एक मशहूर तमिल अभिनेता और माँ पुष्पवली तेलुगु अभिनेत्री थी। रेखा जी का अपने पिता के साथ कभी जुड़ाव नहीं रहा। उनके माता पिता उनके जन्म के टाइम अविवाहित थे, इसलिए रेखा को उन्होंने कभी अपनी पुत्री का दर्जा नहीं दिया। इसलिए रेखा अपने पिता को इतनी नफरत करती है कि उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गई थी। घर की खराब हालत की वजह से इच्छा ना होते हुए भी उन्होंने पढ़ाई छोड़कर फिल्मों में आना पड़ा। रेखा जी ने जब फिल्मी जीवन का शुरुआत की थी तब वो काफ़ी मोटी थी। शुरुआती दिनों में रेखा उतनी उभर नहीं पाई थी क्योंकि तब रंग रूप को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। उनके अनुसार उनको अगली डकलिंग कहा जाता था, जिसका मतलब था बदसूरत बतख का बच्चा। 1966 में रेखा ने तेलुगु फिल्म रंगुला रत्नम में एक बाल कलाकार के तौर पर काम किया था, जब वो सिर्फ 12 साल की थी। बॉलीवुड में रेखा की पहली फिल्म सावन भादो थी, जिसके बाद रातों रात मशहूर हो गई। सालों के लंबे कैरियर में लगभग 180 से भी ऊपर फिल्म में काम किया है। फिल्म कैरियर के दौरान रेखा का नाम श्री अमिताभ बच्चन, राज बब्बर, विनोद मेहरा, नवीन निश्चल, जितेंद्र, यश कोहली, शत्रुघ्न सिन्हा और अक्षय कुमार के नाम से भी जुड़ा गया था। अमिताभ बच्चन और रेखा जी एक दूसरे के बेहद करीब थे। अमिताभ की संगत में रेखा की शख्सियत में गजब की परिवर्तन हुए। वे अपने लुक के प्रति सजग हो गई और जिंदगी को देखने का उनका नजरिया भी बदल गया। रेखा जी को उनका फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड 1981 फिल्म खूबसूरत के लिए मिला था। दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड 1998 में खून भरी मांग के लिए मिला था। ऋषि कपूर की शादी में पहली बार रेखा की मांग में सिंदूर देखा गया था। सफेद साड़ी, लाल बिंदी, सिंदूर से सजी रेखा उस रात की लाइमलाइट बन गई थी। बोलते हैं कि उन्होंने उसी दिन अमिताभ बच्चन से शादी की थी। 1981 में यश चोपड़ा ने जया बच्चन, अमिताभ बच्चन और रेखा के रिश्ते पर फिल्म सिलसिला बनाई थी। इस फिल्म में ही अमिताभ और रेखा की आखिरी बार साथ नजर आए थे। सिलसिला फिल्म की शूटिंग से जुड़े लोगों का कहना है कि शूटिंग के समय सभी डरे हुए रहते थे कि कहीं जया और रेखा में कहां सुनी ना हो जाए। जया जी ने रेखा जी को डिनर पे बुलाया और उनसे बहुत अच्छा मेहमान नवाजी भी की, लेकिन वो जब उनको आखिरी में गेट तक छोड़ने आई और वो एक ही लाइन बोले कि वो अमिताभ बच्चन को कभी नहीं छोड़ेंगी। रेखा की बेडरूम में सिर्फ उनके सेक्रेटरी फरजाना को ही आने की अनुमति है। दोस्तों, रेखा जी भी फरजाने के बगैर कहीं नहीं जाती है। रेखा जी और विनोद मेहरा ने कोलकाता में शादी कर ली थी। वे दोनों जब आपस में मुंबई आए थे तो विनोद मेहरा की मां कमला देवी ने नई नवेली दुल्हन को स्वागत चप्पल से किया था। दरअसल वो इन दिनों विवाह से नाराज थी। हालांकि रेखा इस किस्से से इनकार करती है। फाइनली 1993 में दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल जी से शादी कर ली, लेकिन ये शादी भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। पता नहीं क्यों मुकेश जी डिप्रेशन में आके सुइसाइड कर लिए थे। तो ये थी रेखा जी की कुछ कही अनकही बातें। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी रेखा जी के बारे में कैसा लगा? जैसे भी है, हमारी एवरग्रीन रेखा जी को हमारे तरफ से जन्मदिन की ढेर ढेर बधाइयाँ। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए, क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए।